हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के बारे में। जी हां दोस्तों, पठान मूवी का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही विवादों में आ गया। अब ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि अगर गाने के लिए शाहरुख खान माफी नहीं मांगते तो उनकी फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। क्या है ये मामला, आइए आपको विस्तार से बताते। जी हाँ दोस्तों, बेशरम रंग गाना आते ही शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। गाने में फैंस को काफी दिन बाद दीपिका का बॉर्डर ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला, लेकिन इस बीच गाने के खास सीन को लेकर हंगामा शुरू हो गया, जिसमें दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है। जी हाँ दोस्तों, यही है विवाद का कारण। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने भी इस गाने को लेकर आपत्ति जताई है। संगठन के प्रवक्ता विनोद मंसल ने कहा था कि भगवा को बेशर्म बताते हुए बेहूद और आपत्तिजनक किस्म की एक्टिविटी करना एंटी हिंदू मानसिकता की हद है। विवाद के चलते शाहरुख खान कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे और वहां उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में बात करते हुए जोरदार स्पीच दी। शाहरुख खान की स्पीच जनता को बहुत पसंद आई, मगर इस गाने को लेकर चल रहा विवाद और गर्म हो गया। इस विवाद के चलते मुकेश खन्ना भी बेशर्म रंग सॉन्ग पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं। मुकेश खन्ना ने बेशर्म रंग गाने को अश्लील बताया। वो कहते हैं कि हमारा देश कोई स्पेन नहीं बन गया जो इस तरह के गाने लाए जाएं। अभी आधे कपड़े में गाने बन रहे हैं, कुछ समय बाद बिना कपड़ों के गाने बनने लगेंगे। मुकेश खन्ना कहते हैं कि समझ नहीं आता कि सेंसर बोर्ड इस तरह के गाने को पास ही क्यों करते हैं। इस विवाद के चलते शाहरुख खान की स्पीच का पलटवार करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा कि शाहरुख खान को इस गाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना है कि भगवा रंग को बेशर्म रंग गाने के साथ जोड़ के शाहरुख खान की पठान ने हिंदू धर्म और पूरे भारत का अपमान किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आने वाला टाइम क्या बताएगा। क्या पठान मूवी रिलीज होगी या इस विवाद के चलते शाहरुख खान माफी मांगेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय देना। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।